सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं खरक चुड़कला में। नाम खातर खरक चुड़कला है, कागचा में है, गूगल पर सर्च करोगे उस पर भी पा जाएगा, पटवारी भी है। लेकिन अगर आप देखोगे कि यहाँ पर टिल्ला पड़ा है तो आड़ा करीब 200 साल पहले बतावा है कि वे आदमी आड़े तक चले गए थे, कि चले गए थे क्या इनका इतिहास है। जड़े थी हमने बेरा पट्टा कि वे दलाल गोत्र के थे और आड़े तक चले गए थे कि पानीपात की कुछ कमी होगी थी। लेकिन आज भी अगर बात करें तो कागचा में इससे गांव के नाम तय, इनकी जमीन है, सारी चीज है और ये टिल्ला है, इस टिल्ले पे वे बसया करते। तो जो चिड़ी गांव तय लोग हमारे साथ में, जो लागता गांव है उनका दलाल गोत्र का है, तो उनसे बात करेंगे भी कड़े तो आए थे, क्या इतिहास रहा। राम राम जी। राम राम जी। सभी दर्शकों को राम राम। मैं विजेंद्र मास्टर, गाँव चिड़ी है और हम चिड़ी से अब यहाँ चिड़ी के खेत लगते सीम यहाँ खरक चुड़ंगला गांव हुआ करता। सबसे पहले चिड़ी का जो निकास है छारा गांव से है, 1465 विक्रमी संवत कह लो और ईस्वी लगावत हो 57 सालों कैलेंडर आगे चलता है। 1408 ईस्वी सोमवार को पनवासी का दिन था, चैत का, जब यहाँ आए थे एक ताते अरे एक टाटे दो भाई। अच्छा। वह तो गाँव उधर रहने लागे जो आज भी बसन लाग रहे हैं, लगभग 700 साल के लगभग 900 साल उड़ना हो रहे हैं 1400 से आज 2023 तक। उसके बाद यहाँ जो ये घर है इन्हें ढूंढ भी कह दे हैं, ढूंढ देसी भाषा में भी थारा ढूंढ पड़ गया, थारा ढूंढ की थे यहाँ थे उनके मकान। अच्छा। वो जाके अरे इधर उनका तालाब था जिसने माल जड़ा कह, यहाँ से पानी की समस्या थी, पीने के पानी की किल्लत थी। वो 1853 में चले गए नहर और रेलवे हिंदुस्तान के अंदर 1853 के बाद आई है, 57 में नहर आई थी, पानी की दिक्कत थी। अरे यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के लिए 1.5-2 कोस मारा कुआ, काला कुआ का रहे, महिला यहाँ से पानी भरने के लिए जाती थी। ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता, सुबह चली गई शाम ना आ गई, अंधेरा हो गया, दिक्कत होगी। यहाँ से पानी की किल्लत की वजह से वो चले गए जुलाणा के पास मालवी गाँव जिसने माली के हैं, वो जींद चले गए, वहाँ चिड़ी गाड़ा पन्ना बोल रहे हैं जी आज भी। अरे यहाँ से गए बिल्कुल, देखो ये दृश्य है आपके सबके बीच में, मतलब उड़ा जाके बस गए, वहाँ जाके बस गए जी। अच्छा। अब भी आना जाना है चिड़ियाला का। हाँ। वो भी आऊँ हैराम भी जाऊँ। अच्छा। गाँव के आदमी मतलब पानी की कमी में, पीने का पानी कमी में, पीने का पानी नहीं था जी। कितने किलोमीटर तले आ गए सर? 2-3 किलोमीटर के लगभग चिड़ी गांव का परली साइड थे, 1.5-2 कोस पड़ा था जो नहर है, नया बीब निकली है उसके बाद यह 1857 माई है। इस तो 4 साल पहले वो पानी की दिक्कत में चले गए, अब कुआ भी नहीं था। अच्छा। सिर्फ नहीं था, बरसाती पानी मिल गया तो मिल गया, कभी बारिश होगी कभी नहीं हुई, समस्या ज्यादा रहती तो लोग आई गए, समस्या होया अगर आप जानो हो भाई मेरा पहला बढ़ना चाहिए उसका पछा बढ़ना चाहिए, हम चिड़ी की, हाँ ये खरक चुड़ंगला की है, जो खरक चुड़ंगला था अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो चिड़ी की बजाय खरक चुड़ंगला दिखाता है। इसकी 4500 बीघा जमीन थी, वो 3 गांव की जो ढोंग है ना उनमें बटी है, 1500 तो नवीन सरपंच के परिवार में, 1500 जो चिल्ले का है उनके परिवार में और 1500 लगभग बार लेखा करें उनके परिवार में। अरे सर मतलब गांव का जो नाम है इसका तो आज भी कागचा में चल रहा है? कागचा में इसका पटवारी भी अलग से है खरक चुड़ंगला का और इसके लंबरदार भी अलग से हैं, लेकिन आदमी नहीं है, आदमी देख लो कोई भी नहीं है, रहने वाला है। वो जो चिड़ी में निवास स्थान करते नहीं आ से तो चले गए, जब उसके बाद चिड़िया जमीन ले ली लेकिन गाँव में ताड़ जान रखे हैं, वहीं से खेती बाड़ी करने आ गए, वहीं से चले गए, दूर भी नहीं है नजदीक है। मतलब जो किले खेले उनके आड़े भी है उनका कुछ नहीं, उनका ही कुछ नहीं, उनका नाम तो उतरगी दूसरा का चढ़गी, फिर देश आजादी के बाद में फिर इस्तेमाल हो गया। गांव का नाम ही भी चल रहा है, गांव का नाम खरक चुड़ंगला है जी बिल्कुल, पटवारी में के रजिस्टर में तहसील में कहीं भी चले जाओ, रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड है ना उर्दू के टाइम का चल रहा, तो हाँ जी 200 साल पुरानी बात है, लगभग 200 साल पुरानी, ये गए 1853 में तो 2053 आ जाएगा, लगभग 170 साल हो गए। मतलब दो भाई थे जिसने एक खरक चुड़कला बसाया और एक ने चिड़ी बसाया, उधर तो ताते और टाटे दो हो गए। अच्छा, चिड़ी चांदी बोझा यहाँ था, देखो ये चांदी नहीं खरक चुड़ंगला नाम थे भी उनके, टाटे ताते और टाटे छारा तागे उन्हें चिड़ी बसा दिया, निकासी छारा था है। हाँ जी छारा से है और 1465 में सोमवार ने आए थे वो यहाँ चिड़ी में, वो बस गए, एक बोझा भाई था उसने यो खरक चुड़ंगला बसा लिया। यहाँ से उधर पानी की व्यवस्था बढ़िया थी, यहाँ से पानी लेने महिलाएं जाती थी ना, तो
ज्यादा दिक्कत रहती, समस्या के कारण फिर लोग भी परेशान हो गए। बच्चे भी देखा होगा पानी नहीं मिला पीने का कहीं भी, उन्होंने खूब मेहनत करी है अच्छा पानी की ढूंढने की, लेकिन वे पानी नहीं मिला। पानी की कमी होया करती थी, पानी ये कमी तो आदमी भाग जाएगा। और ये बता, पानी सब तो जरूरी है, उठते पानी चाहिए, सोते से भी पानी चाहिए, पशुओं को अपने लिए पानी चाहिए, तो ये दिक्कत तो आवेगी नहीं। दिक्कत में आदमी कहीं भी जाओ आप, दिक्कत भागेगा। मतलब पूरा जो जितना भी दलाल उतर जो अलग अलग जगह पे बस रहे, तो सारे की निकासी चार आता है। हाँ, ये तीनों की ये भी सारा तीनों तो शुरू होया दलाल गोत्र ना जी। जो 10-12 गांव उधर छारा है, मांडोठी है, मातन है, लिलोठी है, लेकिन छारा से मारा निकास है दलाला का। चिड़ी आगे फिर यहाँ भी घर बन गए थे, जो ये घर कति जमीन में समागे नु ला लो। ये देखो निशान तो बहुत है भी, ये बसना के उस टाइम काकर कुकर है, और ये ईटाट ये पड़ी ना इसी दौरान की है, ये दिखना नहीं। मतलब ये है ना सर, 200 साल हो गए, तो 200 साल पीछे मतलब घर तो सारे गिर पड़ गए। हाँ हाँ बिल्कुल गिर गए। उसके बाद फिर ये रह गए जो बस बर्तन बस, थोड़ा पहचान ही कोई बड़ा आदमी ये बता पाओगा कि मतलब हम तो ये सुना है पहले वो यहाँ बसा करते है, अरे ढूंढ कहा कर दे मालिका लगे लेट कहा कर दे। और आज भी उन गाँव में जाकर जो मालिकाओं में बसे हैं हमारे भाई, आज भी बढ़िया उनके साथ हमारा वो है आना जाना मिलना जुलना सारी बात बढ़िया है। देखो जमीन की स्किल लगी खुदाई करी ना, जैसे अग भाई इसको लेवल कर दो, बोना कर लिया और भी ऊंचा टीला था, हाथ कर इससे भी ऊंचा, तो खुदाई के दौरान जब ये माटी गिरी देखो ये निशान रहे, ये सारी कांकर दिख दे वो दिखना रही, ये वाह पहचान है बसासत की। नहीं तो इतने मटके खुदाई में मटके लिख रहे हैं आप, फूटे उड़ लग रहा जी मरीद बांड माटी के बसन अच्छा। यार कांकर कितनी, ये देखो ये मटकिया ही है, मटके पुराने मटके। हाँ देखो किसी ने कुछ नहीं रख रखा, ये यही के अवशेष हैं जो जिनकी बसासत को की पहचान दिखाऊं पहले घर काम चल करता। हां सही बात है, स्टील थोड़ी था नहीं, और स्टील था ना और सिल्वर था, कोई कोई कच्ची का बर्तन होया करता बस, उससे काम चल करता ना, तो ये सारे मट्टी के बर्तन थे काम चल करता सारे, जितने भी खोदे ना ये पाओगे उस ये पाओगे वो मट्टी के बर्तन। देखो आप न्यू देखो मतलब सारी जमीन है जो वो चिड़ी का चली गई। हाँ। अच्छा लेकिन गांव का नाम आज भी चल रहा है। हाँ मतलब ये चुड़ंगला तो अभी भी कागजा में है, कागजा में भी है। जब तो पटवारी भी है लगान के मारे जमीन तो जबरदस्ती चढ़ा कर दे, लगान लेने के मारे जब तो जमीन का कोई मालिक बनाया ना था, जमीन तो डरिया कर दे, जब तो लोग अब लगान कहां से भरोगे, इसलिए ज्यादा जमीन उनको जो थ्या गया जो क्यों बसाया करते बाहर से ले आकर नूंगन दे, चल बस तू बस जब तू दोषी भी के तू बोले तू दे दिया कर दे, डर दे नहीं दिया दे, मैं लगान तो भरन जा पैदावार भी कम होया करती। हां इसलिए मुश्किल हो जाए अर्दी, के करेगा फिर आदमी, मजबूरी हो जाए अर्दी। उत्तम किस्म के ना तो खाद थे और ना बीज थे, बस जितना खंडा दिया उतना प्रकट आने वाले टाइम में तो टिल्ला भी सज खत्म हो जाएगा, हो गया जी पंचायती अंडर मस्त होगा। उनके साथ का चला आता आदमी हसी के पास भी हमारे भाईचारा गेले उड़े थे निकल का आता डाटे मसूद पर जो गाँव बोल वो भी हमारे साथ हमारे किसी बुजुर्ग के साथ चल के आए थे उधर से, फिर आड़े तो उड़ो जाके बस गए, बाकी उड़े चले गए डटे मसूद पर भी वहीं से इसी दौरान चले। हाँ जो भी गए हैं अपने भाई उसी दौरान इकट्ठे निकल गए, पर तो उधर न्यू है ना तो जब सारी जमीन जाली सारी चीज जाली आदमी भी नहीं, पर गांव का नाम क्यों चला रखा आज भी पीछे वो तो जी न्यू गांव का नाम का। तो अगर मैं जींद रहूंगा तो प्लाट ले लू चाहे ले लू नाम तो है बोलिया जागा, या तो मन हुआ पे बाप आ गए इस गांव में, और तो आपका गांव कौन सा कहेंगे, आठ 20 किले ले लिए जब इस जगह नाम तो आपका जमीन चढ़ जाएगी, लेकिन जमीन जिसकी है रिकॉर्ड में वह थोड़ी बदली जाए। उस टाइम पर स्कूल वगैरह होया ना करते, ये शिक्षण संस्थान किसी प्रकार का नहीं था, पाठशाला में या कि तो पुरानी को बिल्डिंग में उड़ो जब जाकर बालकन बैठा के पढ़ा देंगे। उस टाइम पर कच्चे घर होया करते, उस टाइम पर कच्चे घर अपने दिल कर आई हली में भी तो पढ़ा करते, इतनी चौड़ी टांग उन्ना न जाते ढूंढ के आया करते, कच्चे घर होया करते लिपिया करते उन्हें ढूंढ के दिया करते आलंदे जी फूस घास फूस की। उस टाइम में तो हमने भी देखे हमारे गाँव में हमारी उम्र में भी हमने कच्चे मकान में देखे जो मिट्टी की ईंट पाल गए उनके उस मरा दे लोग मारी आदमी में हमने देखे कम से कम 50-100 घर था हमने भी देखे मारी आदमी कुछ था खेड़ा मंदिर शमशान घाट पर जी। जैसे मैं बोया करता मेरे दादाजी की जब शमशान घाट मैंने खुद अपनी आंखों से पानी देते ना वहाँ मटके निकलते थे और क्या था राख राख थी छोटी छोटी हड्डी वगैरह ये मिला करती उधर मैंने खुद देखा है। का रहा है तलाब तलाब आप देखोगे ना तलाब ही तलाब है अभी भी पानी है, अच्छा उसी गांव का है अच्छा चलो देखो। तो देखो उड़ा आप तो टिल्ला दिखाया था
जो खरक चुड़कला गांव था तो उस करीब 1.5 किला और इन बात कराया, क्योंकि अगर टिल्ले थे तो और थे खेत खोद का नहीं आगे थे कर लिए, 2-1 किले दूर था, 2-1 किले दूर था। और यो वो तालाब है जो मतलब पानी पर जाया करता बारिश में और जिसमें पानी पिलाया करते पशुआन है, तो यो आज भी है और उसे गांव का है। इसने कौन सा बोला है तो माली वाला, तो आज भी इसने माली वाले के नाम माली वाला है वो माली चले गए और माली वाले गड्डा बड़ा बोलेंगे माली वाला ही बोलेंगे। अच्छा माली नाम था उनका? नहीं नहीं वो माली माली गांव में चले गए। अच्छा माली गांव में चले गए। हाँ, तो इसने माली वाला जात जात कहे मालवी मालवी है ना, उन्होंने माली कहे तो ही नहीं माली वाला कहे हैं। अच्छा तो उस गांव के नाम तो इसने बोला है। कक्षा में भी है, खरक चोटंगला में माली आला तालाब है, कक्षा में भी है मालवी वाला रिकॉर्ड में। गांव का उसका है पर वो उड़े चले गए, तो उस गांव के नाम तो इसने बोला है, नाम चल रहा है। और देख लो 200 साल पहले आदमी चले गए पर नाम उन्ने का चल रहा है और सारी चीज है। हाँ भाई है, लेकिन मतलब जमीन बटकी सारी चीज होगी लेकिन नाम भी चल रहा है, कागजा में भी चल रहा है, पटवारी भी है। तो आज भी मतलब गांव तो जिंदा है, जिंदा इंसान जाली है पर गांव जिंदा है। गांव गांव तो नहीं होगा जैसे खरक चोटंगला हो गया। और फिर न्यू का न्यू तालाब की कौन सा किसका नाम तो जानो, यू है माली वाला का माली जाली उनका जाते इसने माली वाला का यहाँ भी एक पहचान होगी को न्यू का भाई गांव था इसके आदमी पता नहीं तो जोड़ते न्यू तालाब तो न्यू पहचान है डाबड़ते हैं अगो माली जा रहे माली वाला का ही। तो एक और है ना मतलब न्यू पूछे भी माली वाला क्या तक है इसने, फिर माली वाला फिर बताओ भी एक न्यू को है वो माली चले गए न्यू का की निका एक तो न्यू का जब फलाने पन्ने का नाम हो दादा नाम हो बोले ये माली वाला का जो माली चले गए उनका माली वाला। क्योंकि देखो कोई भी जोड़ हो चाहे कुआ हो उसका नाम लिया जाग रहा कि यो वो कुआ है या वो है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ इतिहास हुआ है तो उसके पीछे यो इतिहास है। जिसने खोदा है तालाब उसका नाम होगा, जिसने कुआ बना उसका नाम होगा, जिसने धर्मशाला बनवाई उसका, ये तो खोद के जा रहे शुरू में, ये तो चाहे कोई ने खोद दो चाहे हट दो नाम तो प्राचीन वही होगा जिसने इसको शुरुआत करी है। खोद के गए शुरू में माली वाले खोद गए उनका ही। तो देखो ईसा गांव है तो इस गांव के बारे में आपका के कहना है कि जो कागजा में जिंदा है आड़े के आदमी उड़ चले गए हैं माली वाला में और उनका तालाब भी है क्योंकि ये उनके द्वारा खोदा गया था, उनके जो पशु थे पानी पिया करते क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाया करता, पहले आपने बेरा कि काल भी पड़या करते दुर्दशा करते तो इस चीज से डरते हुए पानी की वजह से उड़ चले गए थे, लेकिन आज भी उनका सारी चीज चल रहा है नाम चल रहा है और वे आओ भी है चिड़ी में आना जाना भी है। तो आपका के कहना है जरूर बताइए और तस्वीर आने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। इसी प्रकार की फिर नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।